गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसका? मेल के बारे में। अब ये कोई ऑर्गन सिस्टम है तो ये किससे बना होगा? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होगा। इसके ऑर्गन कौन कौन से थे? टेस्टिस, यानी कि एक मेल के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, यानी कि दो टेस्टिस होंगे एक के अंदर। और ये किसके अंदर होते हैं? स्क्रोटल सैक के अंदर, स्किन के पाउच के अंदर। उसके बाद क्या था? टेस्टिस में बनेंगे स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट बनेंगे टेस्टिस के अंदर। उसके बाद कहाँ जाएंगे गैमेट्स? इसे कॉइल ट्यूब है, इसे बोलते हैं एपिडिडिमिस। उसके अंदर स्पर्म क्या होंगे? टेम्परेरी स्टोर होंगे। उसके बाद स्पर्म कहाँ जाएंगे? स्पर्म डक्ट से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? सेमिनल वेसिकल के अंदर। यहां पर होंगे टेम्परेरी स्टोर, स्पर्म स्टोर होंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होगा? एक और ट्यूब आ रही है। अब जो सेमिनल, जो स्पर्म डक्ट है, ये ट्यूब किससे मिल गई? आगे जाके यूरेथ्रा की ट्यूब से जाके मिल गई। फाइनली क्या होगा? यूरेथ्रा ट्यूब इनसे लेके स्पर्म, स्पर्म डक्ट से, और कहाँ लेके आएगी? पेनिस में लेके आएगी। कौन सी ट्यूब? यूरेथ्रा। जो स्पर्म डक्ट की ट्यूब थी वो किस में आके मिल गई? यूरेथ्रा में आके मिल गई है। तो क्या करें? फाइनली यूरेथ्रा लेके आएगा स्पर्म्स को पेनिस तक। अब क्या होगा? जब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आएंगे, उस टाइम पर क्या होगा? जो ये पेनिस है, मेल बॉडी का पेनिस, और फीमेल बॉडी के वजाइना के अंदर आके एंटर हो जाएगा। इससे क्या हुआ? इसे स्पर्म है, इस पेनिस से कहाँ एंटर कर जाएंगे? फीमेल बॉडी के अंदर, वजाइना के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो हमने कल ये सिस्टम पढ़ लिया था मेल का, आज हम पढ़ना फीमेल सिस्टम के बारे में। तो फाइनली क्या हुआ? स्पर्म बनके डक्ट्स के थ्रू कहाँ पहुंच गए? पेनिस के पास। अब स्क्रोटल सैक क्या होता है? ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है बच्चे, यानी कि मेल मेन बॉडी जो होती है उसके थोड़ा बाहर एक पाउच बना होता है, स्किन का एक थैली बनी होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? टेसिस होते हैं, क्योंकि इनको मेन टेम्परेचर से, बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म्स को बनने के लिए। तो टेसिस कहाँ आना पड़ेगा? मेन बॉडी से बाहर होना पड़ता है, ठीक है। तो ये पार्ट था मेल का। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहां पर क्या होगा? द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ये भी सिस्टम है, तो ये किससे बना होगा? ऑर्गन से मिलकर बना होगा। फर्स्ट ऑर्गन है ओवरी। जिस प्रकार से मेल के अंदर क्या थे? 2 टेस्टिस थे, उसी प्रकार फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट ओवरी एक राइट ओवरी, ठीक है। उसके बाद है ओविडक्ट। इस ओवरी के अंदर क्या बनता है? इस ओवरी के अंदर बनता है एग, यानी कि फीमेल का गैमेट। फीमेल गैमेट कहाँ बनता है? एग, इस ओवरी के अंदर, क्योंकि ये पार्ट किसका है? फीमेल बॉडी का पार्ट पढ़ रहे हैं हम। ये ओवरी के ऊपर क्या होती है? एक ट्यूब। जिस प्रकार से पीछे क्या थी? पीछे हमारे पास थी ये वाली ट्यूब, स्पर्म डक्ट। उसी प्रकार से इसके पास भी क्या होती है? एक डक्ट होती है, जो बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फलोपियन ट्यूब। डक्ट वर्ड किस लिए आता है? ट्यूब के लिए आता है हमेशा, ठीक है, साइंस के अंदर। तो फलोपियन ट्यूब, अब ये ओवरी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसकी एक ओपनिंग होती है ओवरी के ऊपर। इस ओपनिंग के अंदर क्या एंटर हो जाएंगे? यहां से ओवरी से निकलेंगे एग, वो निकलते ही कहाँ हो जाएंगे? इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये डक्ट ट्यूब जो है जुड़ी हुई नहीं है ओवरी से, इसको बोलते हैं इसको फनल ऑफ ओविडक्ट, यानी कि फलोपियन ट्यूब की ओपनिंग को बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। इसको ओपनिंग कहां पर होगी? ओवरी के बिल्कुल ऊपर, ताकि ओवरी से एग निकलते ही कहां एंटर कर जाए? इस ट्यूब के अंदर एंटर कर जाए। उस ट्यूब से होते हुए कहां पर पहुंचे? बॉडी के अंदर की तरफ पहुंचे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहां से क्या एंटर करा था? यहां से पेनिस ने क्या कर दिया? अपने स्पर्म छोड़ दिए, जो मेल बॉडी का पार्ट था पेनिस, उसके अंदर स्पर्म आ गए थे। स्पर्म फाइनली कहां होंगे? फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर स्पर्म और एग जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूज होंगे, क्या बनाने के लिए? जायगोट। तो स्पर्म को कहां एंटर करना पड़ेगा? फीमेल बॉडी के अंदर। तो फीमेल बॉडी में पेनिस से स्पर्म कहां एंटर करेंगे? वजाइना के अंदर, ठीक है। तो वजाइना में स्पर्म आ गए, उसके बाद स्पर्म यहां से ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंचेगा? इस फलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। और यहां पर क्या है? यहां पर ओवरी से क्या आ रहा है? एग आ रहा है। तो एग और स्पर्म दोनों आके इस फलोपियन ट्यूब के अंदर आके क्या होंगे? फ्यूज करेंगे, जायगोट यहां पर बनेगा। तो आपसे कोई पूछे कि जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो फीमेल बॉडी में कहां पर होता है? तो आप बताओगे फलोपियन ट्यूब के अंदर। यहां से फ्यूज, यहां क्या बनेगा? जायगोट, सिंगल सेल बन गया। एग और स्पर्म मिले, क्या बनाया? जायगोट बनाया। जायगोट सिंगल सेल होता है, फिर क्या वो जायगोट फर्दर डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से क्या बनेगा? एक मास ऑफ सेल बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा? अब एम्ब्रियो से बनना है कंप्लीट बेबी। अब एम्ब्रियो से कंप्लीट बेबी के डेवलपमेंट लगभग 9 मंथ का टाइम ले लेती है।
तो 9 मंथ तक मदर प्रेग्नेंट रहेगी, उससे क्या होगा, उसके बाद फीमेल बॉडी से बर्थ होगा बेबी का। तो एम्ब्रियो से कंप्लीट बेबी बनना, इसके लिए क्या होगा, ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है, ऑर्गन्स बनेंगे बेबी के, उनके हाथ पांव, आंखें, नाक, कान, ये सब, तो ये सब बनेंगे। तो एम्ब्रियो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे बेबी के, तो वो जिस स्टेज के अंदर बनते हैं उसे बोल रहे थे हम फीटस, ठीक है, फीटस। इस स्टेज में हम बेबी के ऑर्गन पहचान सकते हैं कि कहाँ से क्या बन रहा है, क्या बनना शुरू हो रखा है। तो हमने पढ़ा ओवरीज ओविडक्ट, उसके बाद था स्पर्म, जो एग यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद है यूट्रस। अब जो ये फॉर्मेशन होगी है तो फीमेल ये सेल्स को फर्दर ग्रो डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो कैसे लेगा, फीमेल बॉडी से कनेक्ट होके, फीमेल बॉडी से, अपनी मदर की बॉडी से बेबी को जुड़ना पड़ेगा। किस स्टेज के अंदर, एम्ब्रियो स्टेज के अंदर। तो कहां पर जुड़ेगा वो, अपने फीमेल बॉडी से, मदर की बॉडी से, इस यूट्रस के अंदर। यूट्रस क्या है, वोम्ब या फिर गर्भ, यानी कि माँ के गर्भ में आकर ये सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, इस यूट्रस की वॉल से, इस यूट्रस की दीवार से आके चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे अपनी मदर बॉडी के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन है यूट्रस का। उसके बाद है वजाइना, जैसे क्या हुआ था, यहां से स्पर्म ने एंट्री ली थी। ओवरीज आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ वूमेन, ओवरीज मेन ऑर्गन है। जिस प्रकार से मेल बॉडी के अंदर क्या था, मेल बॉडी में टेस्टिस था मेन ऑर्गन, क्योंकि इस वहां पर क्या बन रहे, स्पर्म बन रहे थे, उसी प्रकार से फीमेल बॉडी में ओवरीज है रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि यहां पर क्या बन रहे हैं, यहां पर बन रहे हैं एग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह कहां पर प्रेजेंट होता है, ओवरीज आर द ओवल शेप्ड, ये राउंड नहीं है, ओवल शेप है, कुछ कुछ अंडाकार शेप इनकी होती है, ऑर्गन विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये कहां पर होते हैं, आपकी पेट की कैविटी के अंदर ही होता है। ये कहां पर था, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर था, लेकिन ये कहां पर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है व्यूमन की। वुमन हैज टू ओवरीज, ये बात कर ली हमने, ओवरीज आर द रियल ऑर्गन्स। उसके बाद फीमेल सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स कॉल्ड एग कौन बनाएगा, आर मेड इन द ओवरीज, ओवरीज के अंदर बनेंगे एग्स। दिस ओवरीज मेक द फीमेल गैमेट कॉल्ड एग, जस्ट अबव द ओवरीज आर द ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट, इसके बिल्कुल ऊपर क्या है, एक ओविडक्ट है, एक फिलोपियन ट्यूब है, विच आर ऑल्सो नोन एज फिलोपियन ट्यूब। द ओविडक्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है ओवरी के साथ, बट हैव फनल शेप्ड ओपनिंग, एक चौड़ी सी मोटी सी ओपनिंग है, विच ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज, जो बिल्कुल ओवरी को लगभग कवर कर लेती है। द एग रिलीज बाय एन ओवरी गोज इन टू द ओविडक्ट, यहां से एग निकलते कहां पहुंचेंगे, ओविडक्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग फनल शेप जो ओपनिंग है उसने क्या किया, ओवरी को लगभग पूरा कवर किया हुआ है। ओवरी से एग निकलते कहां पहुंचेगा, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। इन ह्यूमन बींग्स वन मैच्योर एग इज रिलीज इन टू ओविडक्ट एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, अब एक मंथ में एक एग बनेगा फीमेल बॉडी के अंदर, एक बार बनाएगी राइट ओवरी और एक बार बनाएगी लेफ्ट ओवरी, यानी कि एक मंथ में एक एग निकलेगा। तो पहले मंथ के अंदर राइट ओवरी से मान लो एग निकला, तो सेकेंड मंथ में लेफ्ट ओवरी से अब एग निकलेगा। तो जो प्रोसेस हो रहा है ये वाला प्रोसेस, अब सेकेंड मंथ में इधर से होगा ये वाला प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन ह्यूमन बींग वन मैच्योर एग इज रिलीज इन टू ओविडक्ट एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी, रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एग का रिलीज होना, बाहर निकलना ओवरी से, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। यहां से एग का निकलना और किसके अंदर एंटर करना, फ्लॉपिंग ट्यूब में एंटर करना, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सबको पूछा कि फर्टिलाइजेशन की मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहां आके फ्यूज हो रहे हैं, कहां आके मिल रहे हैं, तो आप बताओगे ओविडक्ट के अंदर। उसके बाद है द टू ओविडक्ट कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन, अब दोनों ओविडक्ट ट्यूब दोनों तरफ से आ रही है, किससे आके जुड़ गई है, एक बैग लाइक ऑर्गन से, एक बैग सा बना हुआ है, पाउच सा बना हुआ है यूट्रस का, उससे आके जुड़ गई है, या फिर वॉम्ब बोलते इसको, एट देयर अदर एंड, यानी कि एक एंड पे ट्यूब बन रही है और सेकेंड एंड पे आके कहां खुल रही है, ये दोनों यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आके ओपन हो रही है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग इन टू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, अब जायगोट तो बन गया इधर ही सिंगल सेल तो, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट कहां पर होगी, यूट्रस के अंदर की फर्दर डेवलपमेंट होगी। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ बेबी टेक प्लेस इन यूट्रस, उसके बाद दिस यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस, यूट्रस वो पार्ट जहां पर बेबी की डेवलपमेंट होगी। यूट्रस कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स, अब यूट्रस आगे किससे जुड़ा हुआ है, एक नैरो, एक थिन सी ओपनिंग, एक पतली सी ओपनिंग है, उससे जुड़ा हुआ यूट्रस, उसे बोलते हैं सर्विक्स।
टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वजाइना। अब आगे किससे जुड़ी है, ये एक और ट्यूब सी है जिसे हम बोलते हैं वजाइना। यूट्रस जुड़ा है सर्विक्स से, सर्विक्स जुड़ा है वजाइना से। विच ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो आगे क्या है, फीमेल बॉडी से बाहर ओपन होता है वजाइना। वजाइना रिसीव द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म इन टू द वुमन बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेनिस में स्पर्म तो एंटर हो गए थे, स्पर्म यहां से बनने के बाद पेनिस के अंदर एंटर हो गए, लेकिन पेनिस से ये फीमेल बॉडी में एंटर कैसे होंगे, ये पेनिस एंटर करेगा इस वजाइना के अंदर और यहां से क्या करेगा, यहां से अपने स्पर्म रिलीज कर देगा फीमेल बॉडी के अंदर। तो वजाइना क्या करेगा, रिसीव द पेनिस, पेनिस को रिसीव करता है फॉर पुटिंग स्पर्म इन टू द वुमेन्स बॉडी, वुमन बॉडी के अंदर, ताकि स्पर्म रिलीज करे कौन, पेनिस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, दो स्टेप है। पहला फर्टिलाइजेशन, पहला मेल और गैमेट का फ्यूज होना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, क्या बनाने के लिए, जायगोट बनाने के लिए। उसके बाद क्या होगा, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो की होगी फर्दर डेवलपमेंट। तो हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक। आप ये डायग्राम प्रैक्टिस करो, आपको दोनों डायग्राम ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं आपके। इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है, हर एक ऑर्गन का फंक्शन क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सब कुछ याद करना है। ठीक है।